हाय दोस्तों, मैं कन्हैयालाल कोठारी, पारस एजुकेशन सेंटर जोबनेर की ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं पशुपालन। आज से हम पशुपालन पढ़ेंगे, जितना आपका सिलेबस है उसके अनुसार। मैं आशा करता हूं कि कोरोना में आप घर बैठे अच्छे से आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही रहे, उसी के लिए हम आपके लिए ऑनलाइन क्लासेज लेके आए हैं। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेज में अगर अच्छी लगे हमारी, तो उसे आगे शेयर भी करना और लाइक भी करना। आज पढ़ेंगे हम पशुपालन। देखो, पशुपालन क्या है? पशुपालन ये एक एग्रीकल्चर की एक ब्रांच होती है, जिसमें पशुओं के आवास, आहार, प्रजनन और प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। किस किस का पशुओं के किस किस का अध्ययन किया जाता है? देखो, पशुओं के आहार के बारे में, आवास के बारे में, प्रजनन व प्रबंधन। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशुओं के आवास, आहार, प्रजनन और प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है, उसे पशुपालन कहते हैं। पशुपालन में सबसे पहले आती है नस्लें। देखो, मैं आपको बताऊं, नस्लें गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट और मुर्गी की आपके सिलेबस में है और उनकी नस्लें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आती है नस्लें। तो नस्ल क्या होती है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नस्ल क्या होती है। ये एक पशुओं का एक समूह होता है, एक झुंड होता है, उसमें उनके आकार, आकृति और स्वभाव समान हो, उन्हें अपन नस्ल कहते हैं। पशु का एक ऐसा समूह होता है जिसमें पशुओं का आकार, आकृति और स्वभाव समान हो, उसे अपन नस्ल कहते हैं। जैसे आकार का मतलब कि आप देखते हैं, पहचान जाओ कि ये गाय की नस्ल है या ये भैंस की नस्ल है। आकृति, आकृति मतलब आपको पता चल जाएगा कि भैंस की भी दो नस्लें हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये भैंस की दो नस्लें। स्वभाव, स्वभाव का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप ये मानो कि गाय की साहीवाल नस्ल अगर चारा खाती है तो राठी बिदाम नहीं खाती, वो भी चारा ही खाती है। तो इसी प्रकार आकार, आकृति और स्वभाव में समान हो, वो नस्ल कहलाती हैं। जब हम नस्लें पढ़ेंगे तो नस्लें बहुत ज़्यादा रोल रखती है, क्योंकि इसमें से चार पांच क्वेश्चन आएंगे इन पूरी नस्लों में से। तो सबसे पहले अपन नस्लें ही पढ़ेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आपको जो पढ़ाया जाए वो सारा समझ में आए। तो सबसे पहले हम गाय की नस्लें स्टार्ट करेंगे। देखो, गाय राजस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण पशु है। गाय का जूलॉजिकल नेम की मैं बात करूं तो क्या होता है, गाय का बोस इंडिकस। कौन सा होता है? बोस इंडिकस। ये तो देसी गाय होती है और एक होती है विदेशी गाय, उसका होता है बोस टार्टस। देखो, गाय भैंस भेड़ बकरी, इनका सबका कुल होता है, ब्रोविडी होता है। फिर मुर्गी का कुल फीज यूनिडी होता है। फिर बचा ऊंट का कुल कौन सा होता है, कैमेलिडी होता है। ये सभी का कुल हो गया, जो अपन को बार बार नहीं पढ़ना पड़े। गाय, भैंस, भेड़, बकरी का कुल ब्रोविडी होता है, मुर्गी का फीज यूनिडी होता है और ऊंट का होता है कैमेलिडी। फिर आता है गुणसूत्र। तो गुणसूत्र भी अपन सबका एक ही साथ देख लेते हैं। देखो, भैंस सबसे पहले आता है। भैंस दो प्रकार की होती है, एक तो जलीय होती है, एक तो दलदली होती है, और एक जलीय या नदीय भैंस होती है, जलीय या नदीय भैंस होती है। उसके बाद में आता है भेड़, फिर बकरी, फिर गाय, फिर ऊंट और फिर मुर्गी। देखो, इनको बढ़ते हुए क्रम में याद करेंगे। सबसे पहले इसमें 2N गुणसूत्र होते हैं, 48, इसमें 50, भेड़ में 54, बकरी और गाय में 60, ऊंट में 74 और मुर्गी में 78। मतलब कि सबसे छोटा जानवर है उसमें सबसे ज़्यादा गुणसूत्र है। तो ये इनका कुल हो गया, ये गुणसूत्र हो गए इनके, और ये गाय का जूलॉजिकल नेम हो गया। तो गाय दो प्रकार की होती है, एक तो देसी गाय और एक होती है विदेशी गाय। और आजकल एक देसी और विदेशी गाय के बीच में संकरण करवा के एक नई नस्लें निकाली, उन्हें संकर नस्लें बोलते हैं। तो तीन प्रकार की गाय होगी, एक देसी गाय, एक विदेशी गाय और एक संकर गाय। तो मेनली गायें दो ही होती है, एक देसी गाय और विदेशी गाय। इनके बारे में पढ़ेंगे, कौन सी देसी गाय होती है और कौन सी विदेशी गाय होती है। देखो, एक तरफ लिख दिया मैंने देसी गाय और एक तरफ विदेशी गाय। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि देसी और विदेशी गाय में
क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंस होता है देसी गाय? देखो ये मेनली इनमें यही फ़र्क होता है कि देसी गाय में हम कुबड़ पाया जाता है, जबकि विदेशी गाय में कुबड़ नहीं पाया जाता है। दूसरा, देसी गाय गर्मी सहनशील होती है, जबकि विदेशी गाय गर्मी सहनशील नहीं होती। देसी गाय में रोगरोधी क्षमता अधिक होती है, रोगरोधी क्षमता अधिक होती है, जबकि विदेशी गाय में रोगरोधी क्षमता कम होती है। दूसरी, एक सबसे मेन है कि देसी गाय का दूध उत्पादन कम होता है, दूध उत्पादन कम होता है, लेकिन विदेशी गाय का दूध उत्पादन अधिक अधिक होता है, विदेशी गाय का दूध उत्पादन अधिक होता है। देसी गाय को देखभाल की कम आवश्यकता होती है, देखभाल कम आवश्यकता होती है, लेकिन विदेशी गाय को देखभाल की अधिक आवश्यकता होती है। तो ये देसी गाय और ये विदेशी गाय, तो इनमें क्या करेंगे अपन, देसी गाय की नस्लें कौन सी है, विदेशी गाय की नस्लें कौन सी है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे देसी गाय की नस्लें। देखो देसी गाय की जो नस्लें हैं उन्हें उपयोग के आधार पर तीन भागों में बांटा है। उपयोग, जैसे कि जो गाय की नस्लें हैं जिनको दूध उत्पादन के लिए पाला गया उन्हें दुधारू गाय की नस्लें कहा गया। एक बार ध्यान रखना, प्रश्न आया था कि देसी गाय की नस्लों को किसके आधार पे बांटा गया है, तो अकॉर्डिंग टू यूज़, मतलब कि इनको उपयोग के आधार पे बांटा गया है तीन भागों में। जिनको दूध के लिए पाला जाता है उन्हें दुधारू गाय की नस्लें कहा गया, और जिनको कृषि कार्यों के लिए पाला गया उन्हें भारवाही गाय की नस्लें कहा गया, और ऐसी नस्लें जो दूध उत्पादन भी अच्छा था उनका और कृषि कार्य में भी उनको यूज लिया जाता था उन्हें दीकाजी या दी प्रयोजनी गाय की नस्लें कहा गया। तो अब देसी गाय की नस्लें, देसी गाय की नस्लों को किसके आधार पर बांटा गया, उपयोग के आधार पर बांटा गया। देसी गाय की नस्लें सबसे पहले आता है देसी गाय की नस्लें, इन्हें उपयोग के आधार पर बांटा गया। किसके आधार पर बांटा गया, उपयोग के आधार पर, कितने भागों में, तीन भागों में। पहला, दुधारू गाय की नस्लें, दुधारू गाय की नस्लें। दूसरी, भारवाही गाय की नस्लें। और तीसरी, दीप प्रयोजनी गाय की नस्लें, दीप प्रयोजनी गाय की नस्लें, या इसे कभी कभी दीवकाजी भी बोलते हैं, दीवकाजी गाय की नस्लें। देखो जिन गाय की नस्लों का दूध उत्पादन 900 लीटर से ज़्यादा होता है उन्हें दुधारू गाय की नस्लें कहा गया, और जिन गाय की नस्लों को केवल कृषि कार्य या बाहर के वहन में यूज लिया गया, जैसे कि बैलगाड़ी में या बैलों से जुताई करने में, जो भी अपन कृषि कार्य करते हैं उनमें यूज लेता है, उन्हें भारवाही गाय की नस्लें कहते हैं। दोनों के काम में आती है उन्हें दीप प्रयोजनी गाय की नस्लें कहते हैं। मैं आपको बता दूँ कि अगर गाय में से क्वेश्चन आता है तो ये 90% चांस है कि वो इसी क्लासिफिकेशन में से पूछेगा कि कौन सी नस्ल किस में आती है। इसके बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, सुपरवाइजर में भी बहुत बार आया हुआ है, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद करना, क्योंकि देखो सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कौन सी चीज़ को अपन को अच्छे से पढ़ना है और कौन सी चीज़ को अपन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। लेकिन ये सबसे मेन टॉपिक है, अगर गाय पढ़ रहे हो ना तो, और तो आपको याद हो या ना हो, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि ये तो आपको पूरा याद होना ही चाहिए कि कौन सी गाय किस में आती है, क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैं आपको इसको बताता हूँ कि कौन सी गाय किस किस में आएगी। दुधारू गाय की नस्लें, देखो दूध अपन किस में पीते हैं, गिलास में पीते हैं, और गिलास किसका होता है, कांच का होता है, शीशे का होता है। तो एक ट्रिक याद रखना, शीशा गिरा दे, क्या, शीशा गिरा दे, सी यानी सिंधी, सा यानी साहिवाल, गिरा यानी गिर, और दे यानी देवनी। फिर ये तो सारी की सारी दुधारू गाय की नस्लें हो गई, फिर आती है भारवाही गाय की नस्लें। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं कि भारवाही गाय की नस्लों का नाम बताओ, क्या बताओ, नाम बताओ। तो आप यही लिख देना, भारवाही गाय नस्लों का क्या बताना है आपको, नाम, एन ए एम, एन यानी नागौरी, ए यानी अमृत महल, और एम यानी मालवी। तो ये कौन सी हो गई, गाय की भारवाही नस्लें, और इनके अलावा जो भी बच गई वो कौन सी हो गई, दीप प्रयोजनी गाय की नस्लें, यानी बाकी सभी कौन सी हो गई, दीप प्रयोजनी, बाकी सभी। फिर भी कौन कौन सी दीप प्रयोजनी है उसकी भी आप चाहो तो एक ट्रिक लिख सकते हो कि मेरा काका
हरी प्रसाद, मेरे काका हरी प्रसाद, मैं यानी मेवाती, ध्यान रखना मालवी भारवाई है, जबकि मेवाती कौन सी है, दीप योजनी, रा यानी राठी, काका यानी कांकरेज, हरी यानी हरियाणवी, और प्रसाद यानी पारकर, कौन सी पारकर, थार पारकर, थार पारकर। तो ये इसमें से बहुत बार ये पूछा गया था, एक बार थार पारकर कौन सी नस्ल है, तो थार पारकर कौन सी है, दीप योजनी गाय की नस्ल है। इस प्रकार आप देसी गाय की नस्लों को तीन भागों में बांट सकते हो, और ये नस्लें इसमें आती है तीनों में, कौन सी दुधारू है, कौन सी भारवाई है, और कौन सी दीप योजनी गाय की नस्लें। आगे चलते हैं, अब इनको अपन एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक नस्ल को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन दुधारू गाय की नस्लें स्टार्ट करते हैं। दुधारू गाय की नस्लों में सबसे पहली गाय कौन सी है, सीसा गिरादे में, सी यानी कौन सी आती है, सिंधी। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे सिंधी गाय की नस्ल के बारे में। सिंधी गाय की नस्ल में देखो, सिंधी गाय की नस्ल, सिंधी गाय की नस्ल का उत्पत्ति स्थान है कराची पाकिस्तान। कहाँ है, कराची, जो कहाँ है, पाकिस्तान में, कराची पाकिस्तान। सिंधी गाय की नस्ल के अगर विशेषता की बात करूं तो इसका रंग लाल होता है। कैसा होता है, लाल रंग होने के कारण इसे कभी कभी लाल सिंधी भी बोलते हैं, लाल सिंधी भी बोलते हैं। किसकी वजह से बोलते हैं लाल सिंधी, क्योंकि इस गाय का रंग कैसा होता है, लाल होता है, इसीलिए इसे लाल सिंधी भी बोलते हैं। इस गाय की नस्ल की खासियत है कि इस गाय की पैर और कमर, इस गाय की पैर व कमर सुंदर होते हैं, इस गाय के पैर और कमर सुंदर होते हैं, और ये दुधारू गाय की नस्ल है। तो ये सिंधी गाय की नस्ल है, इसमें यही ध्यान रखना, इसका रंग लाल होता है इसीलिए इसे लाल सिंधी कहते हैं। इसका उत्पत्ति स्थान कराची पाकिस्तान है, और इसके क्या, पैर और कमर सुंदर होती है, पैर और कमर सुंदर होती है। अगली गाय की नस्ल है साहिवाल, जो बहुत मोस्ट है गाय में, बहुत मोस्ट गाय की नस्ल है साहिवाल। देखो साहिवाल गाय का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, मोंटगोमरी पाकिस्तान, मोंटगोमरी पाकिस्तान, मोंटगोमरी पाकिस्तान इसका उत्पत्ति स्थान है। साहिवाल में याद रखना आप, साहिवाल देसी नस्लों में सर्वाधिक दूध उत्पादन देती है, सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है इसका देसी गाय की नस्लों में, दूध उत्पादन होता है। जो भी भारतीय गाय की नस्लें हैं, देसी गाय की नस्लें हैं, भारतीय गाय की नस्लें हैं, जिनमें सर्वाधिक दूध उत्पादन किसका होता है, साहिवाल का होता है। दूसरा, इसका सर्वाधिक मीठा दूध यानी सबसे मीठा दूध होता है, सबसे मीठा दूध होता है इसका, और मीठा किसके कारण होता है, दूध में कौन सी शक्करा पाई जाती है, दूध में कौन सी शक्करा पाई जाती है, दूध में लेक्टोज शर्करा पाई जाती है, जिसकी वजह से ये मीठा होता है। तो इसमें अगर मीठा ना दे, वो ये भी पूछ सकता है कि इस गाय में कौन सी शर्करा पाई जाती है, लेक्टोज शर्करा, सर्वाधिक लेक्टोज पाया जाता है, कितना होता है, 5.5 से 5.9% तक, ध्यान रखना इसमें कितना लेक्टोज होता है, 5.5 से 5.9% तक इसमें लेक्टोज होता है। इसके बाद में इसकी बात करें तो इसे सबसे लंबा दूध काल होता है इसका, क्या होता है, सबसे लंबा, सबसे लंबा दूध काल, मतलब ये अधिक दूध काल, मतलब अधिक दिनों तक दूध देती है, तो सबसे लंबा दूध काल होता है इस गाय का। और इसका रंग ईंट जैसा होता है, ईंट मान लो आप, ईंट या बादाम, ईंट व बादाम जैसा इसका रंग होता है। इसकी एक खासियत होती है, जो अभी जनवरी में एओ का एग्ज़ाम हुआ था, उस टाइम एक क्वेश्चन आया था कि कौन सी गाय की नस्ल है जिसे लोला नाम से पुकारा जाता है। तो ध्यान रखना, ये क्या है, इसकी त्वचा ढीली होने के कारण लटकी रहती है, इसी कारण इसका दूसरा नाम क्या है, लोला, इसका दूसरा नाम क्या है, लोला, लोला। इस गाय की नस्ल को अधिक विकसित किया गया था IARI में, कहाँ किया गया था, IARI में कब किया गया था, 1932 से लेके 34 के बीच में, ध्यान रखना। साहिवाल गाय को अधिक विकसित कहाँ किया गया, IARI में किया था, 1932 से लेके 1934 के बीच में। तो ये साहिवाल गाय है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गाय की नस्ल है, इसमें याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये लोला वाला क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार, सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला आया हुआ है, तो इसको याद रखना कि ये साहिवाल गाय के बारे में। अगली नस्ल आती है गिर, देखो गिर गाय की नस्ल, आप एक चीज़ याद रखना, गैस से याद रखना, गुजरात,
इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? गुजरात। कहाँ है? गुजरात। इसमें लास्ट में रह है और अजमेर में भी लास्ट में क्या है? रह है। तो इसका यही क्वेश्चन पूछते हैं कि राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान में अजमेर, और अजमेर के पास कौन सा जिला है? भीलवाड़ा। अजमेर और भीलवाड़ा के क्षेत्र में ये पाई जाती है। दूसरा, इसके बात करें, इसके लंबे कान होते हैं, लंबे पत्ती आकार के कान होते हैं, पत्ती आकार के कान होते हैं जो चढ़ते समय ज़मीन को स्पर्श करते हैं, ज़मीन को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। अगर ये परस्पर चरेगी तो ज़मीन को स्पर्श करेंगे। इसके कान ऐसे होते हैं पत्ती आकार के, तो पत्ती आकार के कान किसके होते हैं? गिर के। दूसरी बात, इसका दूसरा नाम रेंडी होता है। कौन सा? रेंडी। इसका दूसरा नाम है रेंडी, इसके अलग नाम है रेंडी। और कभी कभी एक बार कुछ क्वेश्चन याद रखना, क्योंकि मैं आप जहाँ जैसे लोग होते हैं ना वैसे ही जानवर वहाँ के होते हैं। तो यहाँ जो अजमेर और नागौर के बीच में, अजमेर के क्षेत्र में फ्लोराइड ज़्यादा है, फ्लोराइड ज़्यादा होने के कारण इंसानों में भी एक कुबड़ पट्टी की समस्या होती है। तो कौन सी गाय है जिसमें कुबड़ की समस्या आती है? तो इस गाय में, गिर गाय में किसकी भी समस्या आती है, इसमें कुबड़ की समस्या भी रहती है। सर्वाधिक कुबड़ इसी गाय में होता है, गिर। फिर उसके बाद में आता है देवनी। देवनी में इतना ही याद रखना कि ये एक दुधारू गाय की नस्ल है। अब पढ़ेंगे हम भारवाही गाय की नस्लें। भारवाही गाय की नस्लों में सबसे पहले कौन सी आती है? मैंने बताया था नाम से याद रखना, NAM। एन यानी क्या था? नागौरी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नागौरी। देखो, नागौरी का उत्पत्ति स्थान है नागौर राजस्थान, नागौर राजस्थान है। इस गाय में एक ही, देखो ये चीज़ याद रखना, ये थोड़ी इस प्रकार की होती है। तो क्वेश्चन आता है कि सबसे मोटा व लंबा कुबड़ किसका होता है? तो पहली चीज़ तो इसका मोटा व लंबा कुबड़ होता है, मोटा व लंबा कुबड़ होता है। दूसरी बात, इसकी पीठ सीधी व मजबूत होती है। इसकी पीठ देखो सीधी, इसकी पीठ कैसी होती है? सीधी व मजबूत होती है, सीधी व मजबूत होती है। ये सबसे बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ, ये सर्वश्रेष्ठ भारवाही नस्ल है। सर्वश्रेष्ठ भारवाही नस्ल कौन सी है? नागौरी है। देखना, इसके दो प्रकार के क्वेश्चन पड़ेंगे। सीधा आ जाए राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? नागौरी। अगर क्वेश्चन आ जाए भारत की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? नागौरी। लेकिन क्वेश्चन ऐसे आ जाए ना, दक्षिणी भारत की सर्वश्रेष्ठ भारवाही नस्ल कौन सी है, तो वो अमृत महल होगी, जो हम अमृत महल में बताएंगे आपको। दूसरा, ये अधिक खाती है, अधिक खाती है। इसकी एक बहुत है कि ये, इसके जो बेल है ना, इसके बेल तेज गति से दौड़ने में सक्षम होते हैं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तेज गति से दौड़ने में सक्षम बेल किसके होते हैं? तो वो नागौरी के होते हैं। और दूसरी बात, इसके दुल की चाल, इसके बेल कौन सी चाल चलते हैं? दुल की चाल चलते हैं, जबकि सवाही चाल कांकरेज चलती है, सवाही चाल कांकरेज चलती है, क्योंकि दुल की चाल कौन सी देती है? आपने देखा होगा ना भाई, जब कभी अपन छोटे थे तो कहते थे ना भाई, आओ दुल लगाते हैं। दुल लगाने का मतलब तेज भागना, तो उसी से ये दुल की चाल चलती है और इसके बेल तेज दौड़ने में सक्षम होते हैं। नागौर का एक क्षेत्र है स्वाहलक, नागौर की स्वाहलक क्षेत्र इसके बेलों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा क्षेत्र? नागौर का स्वाहलक क्षेत्र इसके बेलों के लिए प्रसिद्ध है। इस गाय का रंग सफ़ेद होता है, कैसा होता है? इस गाय का रंग सफ़ेद होता है, सफ़ेद रंग की गाय होती है, और ये ज़्यादातर नागौर के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। और ये सबसे बेस्ट भारवाही नस्ल है, भारवाही यानी कृषि कार्य करने में सबसे अच्छी नस्ल है। इसकी पीठ सीधी व मजबूत होती है, कुबड़ मोटा व लंबा होता है, तेज गति से ही, क्वेश्चन आया हुआ है इसे याद रखना, तेज गति से कौन से बेल दौड़ते हैं। इसके बाद में आती है अगली नस्ल अमृत महल, अमृत महल। देखो मैं से याद रखना, मैसूर, मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में है। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में है। देखो अमृत महल, इस गाय का, ये दक्षिणी भारत की, किसकी? दक्षिणी भारत की बेस्ट भारवाही नस्ल है, भारवाही नस्ल है। दूसरा, ये भारतीय नस्लों में सबसे सुंदर नस्ल है, भारतीय नस्लों में सबसे सुंदर नस्ल है, और ये दक्षिणी भारत में अधिक पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी भारत में पाई जाती है, और दक्षिणी भारत की बेस्ट भारवाही नस्ल है और सुंदर नस्ल है। अमृत महल एक भारवाही नस्ल है। उसके बाद में आती है मालवी।
क्योंकि मालवी क्या है, मालवा चित्र आपने सुना होगा, ये राजस्थान है। मैं चित्रकला से तो हूँ नहीं, बाकी जितना जैसा है वैसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक राजस्थान है, तो इस क्षेत्र को हम मालवा बोलते हैं। इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं अपन? मालवा क्षेत्र बोलते हैं, जो यूपी में आता है। कहाँ आता है? नहीं, एमपी में, सॉरी, एमपी में आता है। एमपी में, यूपी में तो मेवात आता है, मालवा क्षेत्र एमपी में आता है। और यहाँ हमारा हाड़ौती क्षेत्र आता है, हाड़ौती क्षेत्र आता है। तो इसमें देखो, मालवी का उत्पत्ति स्थान मालवी से याद रखना, मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश। दूसरी, फिर ये दूसरा क्वेश्चन इसका ये बनेगा, ये राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में या तो दक्षिणी राजस्थान में पाई जाएगी, या अगर ऐसा नहीं आए तो ये कहाँ पाई जाती है? हाड़ौती क्षेत्र में। और हाड़ौती क्षेत्र में नहीं आए तो झालावाड़ में। सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? झालावाड़, कोटा, उधर पाई जाती है। तो राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? झालावाड़ या हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। और मैं से याद रखना, इसका शरीर मध्यम आकार का होता है, मध्यम आकार का इसका शरीर होता है। तो मालवी का उत्पत्ति स्थान मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश, राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र या झालावाड़ में पाई जाती है, या दक्षिणी राजस्थान में, या दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। और ये कैसे, इसका आकार कैसा होता है? मध्यम आकार की ये नस्ल होती है। और ये थी, इसी के साथ साथ अब अपन पढ़ते हैं द्वीप प्रयोजन नस्लों में मेवाती। देखो, ये मालवी थी, इस क्षेत्र को मेवात बोलते हैं, इस क्षेत्र को मेवात बोलते हैं। यहाँ आगरा और मथुरा आता है, और यहाँ अलवर और भरतपुर आता है। राजस्थान में कौन सा भाग आता है इसके पास में? अलवर और भरतपुर। तो मेवाती का पहला उत्पत्ति स्थान क्या है? तो मेवात से, मैं से याद रखना, मथुरा। और मथुरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो उसका उत्पत्ति स्थान हो गया मथुरा, उत्तर प्रदेश। दोबारा एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि मथुरा के अलावा ये उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? तो मथुरा के अलावा कहाँ पाई जाएगी? और आगरा में पाई जाएगी, उत्तर प्रदेश में। तो आगे अगर वो क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा कि राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। अगर पूर्वी क्षेत्र भी नहीं आए तो राजस्थान में कौन सी जिलों में पाई जाती है? अलवर और भरतपुर में पाई जाती है। देखो, मथुरा में श्री कृष्ण जी की रासलीलाएँ थी, वहीं सब कुछ उन्होंने वहीं किया था। तो वो श्री कृष्ण जी क्या करते थे कि, वैसे तो मेरे नाम राशि थे, कि वो क्या करते थे कि गुजरियों का माखन खाते थे। तो वो माखन कोस कोस के खाते थे, मतलब छीन छीन के खाते थे। छीनना वो क्या बोलते हैं? कोसना बोलते हैं ना। इसीलिए इस गाय का दूसरा नाम क्या है? कोसी। तो मेवाती का दूसरा नाम क्या है? कोसी। और ये कहाँ पाई जाती है? जहाँ श्री कृष्ण जी ने रासलीलाएँ रचाई थी। कहाँ रचाई थी? मथुरा में। तो मेवाती का उत्पत्ति स्थान मथुरा, उत्तर प्रदेश है। मथुरा के अलावा कहाँ पाई जाती है? आगरा में पाई जाती है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान में कहाँ? अलवर और भरतपुर में। और इसका दूसरा नाम क्या है? कोसी। मेवाती का दूसरा नाम क्या है? कोसी। इसके बाद में आती है राठी। राठी गाय की नस्ल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत बार क्वेश्चन आता है। देखना, इसका दो क्वेश्चन पूछते हैं, एक तो उत्पत्ति और एक राजस्थान में कहाँ पाई जाती है। राठी की उत्पत्ति हुई थी अलवर में। उत्पत्ति कहाँ हुई थी? अलवर में। ऐसे याद रखना, उत्पत्ति ऐसे है, ऐसे ये याद रखना, अलवर में। उत्पत्ति तो कहाँ हुई? अलवर में। दूसरा क्वेश्चन आता है, वर्तमान में कहाँ पाई जाती है? वर्तमान में, ये राजस्थान में, वर्तमान में बीकानेर। और बीकानेर के पास क्या है? गंगानगर। बीकानेर और गंगानगर के क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये पाई तो कहाँ जाती है? बीकानेर और गंगानगर में। लेकिन इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? अलवर में। दोनों ही अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों ही दो बार पूछे गए हैं। तो ध्यान रखना, ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था कि राठी गाय राजस्थान में वर्तमान में कहाँ पाई जाती है? बीकानेर और यहाँ गंगानगर में। फिर इसके बाद में देखो, ये इसकी उत्पत्ति भी राजस्थान में है और ये पाई जाती भी राजस्थान में है। तो ये राजस्थान की एक मुख्य नस्ल है। तो ये राजस्थान की, इसे कामधेनु के नाम से जानते हैं, बड़ी काम की है। तो इसे कामधेनु के नाम से, कामधेनु के नाम से जाना जाता है कि राठी गाय। कामधेनु के नाम से कौन सी गाय को जाना जाता है? राठी गाय को जाना जाता है। दूसरी बात, इसमें देसी नस्लों की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा फैट होता है। क्या होता है? सबसे ज़्यादा वसा आती है इसके दूध में। क्या होती है? सबसे ज़्यादा वसा होती है। वसा धन कमाते हैं, मतलब जितनी ज़्यादा वसा होगी उसके उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और पैसे को क्या बोलते हैं? धन। तो ये क्या, किसके काम की है? धन कमाने के काम की है। इसलिए इसे किसके नाम से जाना जाता है? कामधेनु के नाम से जाना जाता है। तो ये राजस्थान की मुख्य नस्ल है, राजस्थान की मुख्य नस्ल है, कामधेनु के नाम से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा इसके दूध में क्या होती है? वसा होती है। वर्तमान में कहाँ पाई जाती है? दोनों का इतना फर्क रखना कि इसकी उत्पत्ति कहाँ थी, वर्तमान में कहाँ पाई जाती है। राठी के बाद में आती है कांकरेज।
कांकरेज, तो वो कैसे याद रखना कच्छ, और कच्छ कहाँ है, गुजरात में, तो इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ हो गया, कच्छ गुजरात। इस गाय की कुछ नहीं एक ही विशेषता है कि इसके सींग ऐसे होते हैं, मतलब मोटे व लंबे सींग होते हैं, पहली चीज तो मोटे व लंबे सींग होते हैं इसके, मोटे व लंबे सींग होने के कारण ये कहीं भी टकरा जाते हैं, टकरा जाने के कारण डैमेज हो जाते हैं, इसी कारण सर्वाधिक सींगों का कैंसर किस में होता है, कांकरेज में होता है। तो ध्यान रखना इसके सर्वाधिक किसका, सर्वाधिक सींगों का कैंसर होता है, सर्वाधिक सींगों का कैंसर होता है। दूसरी बात, इसका शरीर भारी भरकम होता है, भारी भरकम शरीर होता है, इसी कारण ये देखो जो भी लोग मोटे होते हैं ना वो धीरे धीरे से ऐसे धीरे धीरे चलते हैं, मतलब आराम से चलते हैं, और जो पतले होते हैं मेरे जैसे वो आराम से ऐसे चल लेते हैं, तो ये धीरे धीरे चलते हैं, और धीरे धीरे कौन से चलते हैं, जो सहजादे होते हैं, सहजादे होते हैं वो आराम से धीरे धीरे आते हैं, तो इसीलिए ये भारी शरीर होने के कारण धीरे धीरे चलती है, इसलिए इसको सवाई चाल के नाम से प्रसिद्ध है, सवाई चाल, सवाई चाल के नाम से प्रसिद्ध कौन सी है, कांकरेज है, भारी भरकम शब्द, तो ध्यान रखना देशी या भारतीय नस्लों में सबसे भारी नस्ल, सबसे भारी नस्ल कौन सी है, कांकरेज है, लेकिन सबसे बेस्ट भारवाई, ध्यान रखना भारी, भारी ये वजन में भारी की बात कर रहा है, और भारवाई का मतलब जो कृषि भार का वहन करे, जो कृषि कार्य करे, तो सबसे अच्छी भारवाई नस्ल नागौरी थी, और भारी नस्ल कौन सी है, कांकरेज, सवाई चाल कांकरेज चलती है, जबकि दुल की चाल नागौरी चलती है, इन दो, इनका ये फर्क ध्यान रखना। दूसरी बात, इसकी बात करें तो इसके आगे के थन तो छोटे होते हैं, और आगे के थन, इसके आगे के थन छोटे होते हैं और पीछे के बड़े होते हैं, इसके जो चार थन होते हैं जिसमें आगे के दो थन तो छोटे होंगे और पीछे वाले थन क्या होंगे, बड़े होंगे, ये मतलब इसके सींग इतने लंबे होते हैं कि ये आराम से चलती है, ये रात के 12 बजे भी चली जाए ना अकेली तो किसी दूसरी नस्ल के बैल की औकात नहीं इसे छेड़ दें, क्योंकि इसके सींग बड़े ही नुकीले होते हैं। और ये कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, ये राजस्थान में पाली में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, पाली में, पाली के पास में क्या है, सिरोही और जालौर, सिरोही और जालौर, पाली और सिरोही जालौर क्षेत्र में पाई जाती है ये कांकरेज। इसके बाद में आती है हरियाणवी, देखो हरियाणा का उत्पत्ति स्थान हरियाणा ही है, हरियाणा का एक रोहतक नाम का क्षेत्र है वही इसका उत्पत्ति स्थान है, तो रोहतक हरियाणा। इसकी पूंछ घुटनों तक लंबी होती है, पूंछ घुटनों तक लंबी होती है। दूसरी, इसकी आंखें चमकीली होती है, आंखें चमकीली होती है, प्रजनन के लिए बेस्ट होते हैं, प्रजनन के लिए बेस्ट बेल कौन से होते हैं, बेस्ट बेल इसके होते हैं। और ये जो द्वि प्रयोजनी नस्ल है ना उसमें सर्वश्रेष्ठ होती है, द्वि प्रयोजनी नस्लों में सबसे बेस्ट नस्ल, द्वि प्रयोजनी नस्लों में सबसे बेस्ट नस्ल होती है। तो हरियाणा में ये आप देखना, ये एक द्वि प्रयोजनी नस्ल है, रोहतक हरियाणा इसका उत्पत्ति स्थान है। इसकी पूंछ घुटनों तक लंबी होती है, हाँ आपने देखा होगा जैसे लोग होते हैं ना वैसे जानवर होते हैं, अपने देखा होगा कि यहाँ राजस्थान की जैसे कि बाल, बालों की बात करें तो लड़कियों के, राजस्थान की लड़कियों के बाल छोटे होते, इतने बड़े नहीं होते, जबकि हरियाणा वालों के देखे होंगे बड़े होते हैं, राजस्थान वाले लड़के और लड़कियों की आंखें चमकीली थोड़ी होती है, हरियाणा वालों की होती है, राजस्थान वाले को तो पता नहीं क्या क्या होता है आंखों में। प्रजनन के लिए बेस्ट बेल, ध्यान रखना दौड़ के लिए और भार के लिए बेस्ट बेल किसके थे, नागौरी के थे, लेकिन प्रजनन के लिए अगर बेस्ट बेल पूछे ना तो वो किसके होंगे, हरियाणवी के होंगे। इसका शरीर सुडोल होता है, कैसा होता है, सुडोल शरीर की होती है, क्योंकि और आपने देखा होगा कि अपने भारत में अगर ज़्यादातर कोई बॉडीगार्ड बने होंगे तो हरियाणा के लड़के बनते हैं, क्योंकि जहाँ के लोग होते हैं उनका शरीर सुडोल होता है, तो ये जानवर भी इनके सुडोल शरीर के ही होते हैं। तो ये थी हरियाणवी। उसके बाद में आती थार पारकर, देखो थार, जब थार को, थार किसे बोलते हैं, रेगिस्तान को बोलते हैं, जब राजस्थान में थार को पार कर जाएं, थार को पार कर जाएं तो क्या आ जाता है, थार को पार कर जाओगे तो क्या आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, तो इसका उत्पत्ति स्थान में क्या है, पाकिस्तान। जब थार को पार कर जाओगे तो क्या आ जाएगा, पाकिस्तान, तो पाकिस्तान, तो सीधी सी बात है ये कहाँ पाई जाएगी, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाएगी,
ये विपरीत परिस्थितियों में भी, विपरीत देखो रेगिस्तान में विपरीत परिस्थितियाँ होती है, विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा दूध उत्पादन देती है, अच्छा दूध उत्पादन देती है। कितना? 1100 लीटर प्रति व्यांत। ध्यान रखना, क्वेश्चन एक बार पूछा गया था विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा दूध उत्पादन कौन सी देती है, थार पार कर देती है। कितना देती है? 1100 लीटर प्रति व्यांत। ये 3 से 4 दिन तक बिना पानी पिए रह सकती है, बिना पानी पिए रह सकती है, क्योंकि रेगिस्तान में पानी की वैसे ही कमी होती है, तो भी ये 3-4 दिन तक बिना पानी पिए रह सकती है। दूसरी, ये राजस्थान में जैसलमेर और बाड़मेर, जैसलमेर और बाड़मेर में अधिक पाई जाती है, जैसलमेर और बाड़मेर में अधिक पाई जाती है थारपारकर। ये थी गाय की देसी नस्लें। इसके बाद में गाय की आती है विदेशी नस्लें, इसके बाद में गाय की विदेशी नस्लें। विदेशी नस्लों में सबसे पहले आती है जर्सी। देखो जर्सी का उत्पत्ति स्थान जर्सी द्वीप ही है इंग्लैंड में, जर्सी द्वीप इंग्लिश चैनल इंग्लैंड, इसका उत्पत्ति स्थान है जर्सी की। देखो सबसे ज्यादा देखभाल, सार्वधिक देखभाल, देखभाल की आवश्यकता होती है इसको, सार्वधिक देखभाल की यानी तो इसको केयर की आवश्यकता होती है, सबसे ज़्यादा केयर की। देखो वैसे तो विदेशी नस्लों की ज़्यादा केयर करते हैं, लेकिन विदेशी में भी सबसे ज़्यादा केयर आपकी किसकी करोगे? जर्सी की करोगे। सार्वधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। इसकी बच्चियाँ 2 साल में तैयार हो जाती है, मतलब पर 2 साल में प्रजनन के योग्य हो जाती है। इसकी जो बच्चियाँ होती है 2 साल में प्रजनन के योग्य हो जाती है। अगला, इसमें देखो सबसे मोस्ट है, इसके दूध में सबसे ज़्यादा वसा होती है, दूध में सबसे ज़्यादा वसा वसा होती है 5.5 तक होती है। ध्यान रखना है, इसके दूध में सर्वाधिक वसा होती है। कितनी होती है? 5.5 तक होती है। और ये भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। ध्यान रखना, विदेशी नस्लों में भारत में सबसे ज़्यादा नस्ल कौन सी पाई जाती है? जर्सी। भारत में सर्वाधिक कौन सी नस्ल है? विदेशी नस्लों की बात करें तो जर्सी भारत में सबसे ज़्यादा नस्ल है। और अगर इसकी बात करें इसका दूध उत्पादन की, तो ये 4000 से लगभग 4800 लीटर प्रति व्यांत, 4000 से 4800 लीटर प्रति व्यांत दूध देती है। तो ये विदेशी नस्लों में सबसे अच्छी नस्ल है, और बहुत ही अपन ज़्यादा इसी को पालते हैं, इसे देखभाल की आवश्यकता होती है सबसे ज़्यादा। उसके बाद में आती है होलिस्टन फ्रीजियन, होलिस्टन फ्रीजियन, होलिस्टन फ्रीजियन। देखो होश से याद रखना आप, होश से होलैंड, होसे क्या याद रखोगे आप? होसे होलैंड याद रखोगे। होलिस्टन फ्रीजियन का ये देखो विश्व में सबसे भारी नस्ल, विश्व में सबसे भारी नस्ल, विश्व में सबसे भारी यानी वजन में भारी कौन सी है? होलिस्टन फ्रीजियन है। लेकिन भारत में कौन सी थी? भारत में सबसे भारी नस्ल कौन सी थी? कांकरेज। फिर मैंने अभी बताया भारत में सबसे ज़्यादा वसा किसके दूध में थी? सबसे ज़्यादा वसा किसके दूध में थी? राठी के दूध में। जबकि विश्व में किसके में थी? विश्व में सबसे ज़्यादा वसा किसके दूध में थी? जर्सी के दूध में थी। होलिस्टन फ्रीजियन ये विश्व में सबसे भारी नस्ल है, वजन में सबसे भारी नस्ल है। इसके बाद में अगर बात करूँ तो इसका रंग चितकबरा होता है। कैसा होता है? चितकबरा किसे बोलते हैं? जैसे कि सफ़ेद रंग में काले रंग के धब्बे, सफ़ेद व काला होता है, यानी इसका रंग कैसे होता है? सफ़ेद व काले रंग के धब्बे होते हैं जिसे चितकबरा बोलते हैं। इसका रंग कैसा होता है? चितकबरा रंग होता है, यानी काले हुए सफ़ेद रंग, काला हुए सफ़ेद रंग के धब्बे होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? होलिस्टन फ्रीजियन है। लगभग 5000 से ऊपर 6000 तक ये दूध उत्पादन है इसका, 5000 से लेकर 6000 तक इसका दूध उत्पादन है। ध्यान रखना, विश्व में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादक नस्ल कौन सी है? ये होलिस्टन फ्रीजियन है। लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादक नस्ल कौन सी थी? साहीवाल थी। कौन सी थी? साहीवाल थी। इसके बाद में अगर बात करें तो इसमें दूध ज़्यादा है तो इसमें सबसे कम वसा हो जाएगी, वसा सबसे कम होती है, वसा सबसे कम वसा किसके दूध में होती है? होलिस्टन फ्रीजियन के में होती है। कितनी होती है? 3.5%। इसके दूध में 3.5% होती है जो सबसे कम होती है, लेकिन इसका दूध उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। एक ही नस्ल है जो द्वीप योजनी में आती है विदेशियों में, लेकिन ये द्वीप योजनी किस में आती है? ये द्वीप योजनी दूध व मांस में आती है। ध्यान रखना, दूध व मांस। तो क्वेश्चन आ जाए, मांस के लिए कौन सी नस्ल का प्रयोग किया जाता है? तो होलिस्टन फ्रीजियन को मांस उत्पादन के लिए भी प्रयोग किया जाता है, दूध के साथ साथ मांस उत्पादन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में अगर आती है, कौन सी आती है? ब्राउन स्विस आती है। कौन सी आती है? ब्राउन स्विस।
ब्राउन स्विस, तो स्विस से याद रखना इसका उत्पत्ति स्थान स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। इसका रंग खुद ही कह रहा है, इसका रंग कैसा होता है, ब्राउन होता है, इसका रंग कैसा होता है, ब्राउन होता है। ये लगभग 4850 लीटर दूध देती है प्रति ब्यांत, 4850 लीटर दूध प्रति ब्यांत देती है। सर्वाधिक गर्मी सेंसिल, विदेशी नस्लें गर्मी सेंसिल कम है लेकिन सबसे ज्यादा गर्मी सेंसिल है, सर्वाधिक गर्मी सेंसिल, विदेशी नस्लों में सबसे ज्यादा गर्मी सेंसिल नस्ल कौन सी है, ब्राउन स्विस सेंसिल, ब्राउन स्विस विदेशी नस्लों में सबसे ज़्यादा गर्मी सेंसिल है, रंग इसका ब्राउन होता है, 4850 लीटर प्रति ब्यांत दूध देती है। स्विस से याद रखना है स्विट्जरलैंड इसका उत्पत्ति स्थान है। उसके बाद में आती है आयरशायर, आयरशायर, देखो आयरशायर इसका उत्पत्ति स्थान है स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड। इसका दूध उत्पादन 5250 लीटर पर ब्यांत होता है, आयरशायर का 5250 लीटर पर ब्यांत होता है। सबसे विश्व में सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है, आयरशायर, विश्व में सबसे सुंदर नस्ल है आयरशायर, जबकि भारत में कौन सी थी सबसे सुंदर, अमृत महल, और जिसके पैर और कमर सुंदर थे वो कौन सी थी, सिंधी। तो ये आपके पूरी गाय की नस्लें हो गई, देसी विदेशी। अब आती है गाय की संकर नस्लें, दो तीन गाय की संकर नस्लें भी, उनके बारे में पढ़ लेते हैं, देसी हो गई विदेशी हो गई, अब आती है गाय की संकर नस्लें। देखो गाय की संकर नस्लें, एक तो आती है करन फ्रीज और करन स्विस, इसका क्रॉस पूछेंगे, ध्यान रखना आप इसका, इसमें जब भी संकर नस्लें हैं इनमें क्रॉस पूछेंगे, भाई किस किस का क्रॉस करा के तैयार किया गया था। करण तो इनके आगे इसलिए लगा है क्योंकि ये करनाल से विकसित है, जो करनाल है ना वहाँ से विकसित है, NDRI करनाल से विकसित है, जबकि भेड़ में भी दो संकर नस्लें हैं, कौन कौन सी है भेड़ में भी, जो अविका नगर मालपुरा से विकसित की गई थी, तो अविका नगर से विकसित की गई थी इसलिए अविकालीन और अविवस्त्र, और ये करनाल से निकाली गई थी इसलिए करण फ्रीज और करण स्विज, इसीलिए इनके आगे करण लगा हुआ है। देखो फ्रीज, इस चीज़ को समझना, इनका क्रॉस पूछेगा, फ्रीज होता है अपने घर पर, फ्रीज होता है, फ्रीज किसको मेंटेन करता है, टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, पारा। जब संकर नस्लें हैं तो एक देसी होगी एक विदेशी होगी, तो फ्रीज से सबसे पहले तो बनाओ फ्रीजियन, फ्रीजियन कौन सी थी, होलिस्टन, फ्रीज से क्या बनाए, फ्रीजियन। तो विदेशी तो आपको पता चल गया भाई कौन सी थी, फ्रीजियन थी, होलिस्टन फ्रीजियन थी, लेकिन इसके साथ कौन सी आई, तो देखो फ्रीज किसको मेंटेन करता है, टेम्परेचर इन पारा को, तो पारा वाली आ जाएगी, कौन सी थी, थार पारकर, थार पारकर। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर में कौन सी रहती है, पश्चिम राजस्थान में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, तो कौन सी रहती है, थार पारकर। जब होलिस्टन फ्रीज जिन्होंने थार पारकर का क्रॉस करवाया तो कौन सी तैयार हुई, करण फ्रीज। और स्विस में ब्राउन स्विस, खुद ही कह रहा है स्विस से याद रखना, ब्राउन स्विस, ब्राउन स्विस तो विदेशी हो गई, और देसी कौन सी है, सर से याद रखना, साहिवाल, से साहिवाल। तो ये संकर नस्लें हैं गाय की, इस प्रकार से पूरी ये गाय की नस्लें हैं, पूरी गाय कंप्लीट हो गई है जिसमें सारी नस्लें आ गई है। थैंक यू।